नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व आप सभी के लिए, आपके परिवारजनों के लिए शुभ हो। मैंने ट्रेन्स एंड ट्रेवल की शुरुआत इस चैनल के यूट्यूब पर मोहिबुल्लापुर स्टेशन से ही की थी और साथ ही डालीगंज स्टेशन को कवर किया था अपने पहले दो वीडियोज़ में, जिसमें मैंने मोहिबुल्लापुर की स्थिति, तब अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था और डालीगंज जंक्शन पर अमान परिवर्तन कार्य की क्या स्थिति है, उसको कवर किया था। आज लगभग 10 महीने पूरे हो रहे हैं और आज छोटी दिवाली है, तो दीपावली के इस पर्व पर ट्रेन्स एंड ट्रेवल की तरफ से आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज चलिए देखते हैं छोटा सा वीडियो। मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर ट्रैक पैकिंग मशीन आकर खड़ी हो गई है, साथ ही साथ एक छोटा सा एक्शन वीडियो बाराबंकी से कानपुर जाती हुई मेमू ट्रेन का निराला नगर कर्व पर, जो आज मैंने कैप्चर किया है आज के इस वीडियो में, तो देखते रहिए ट्रेन्स एंड ट्रेवल। तो दीपावली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ट्रैक पैकिंग मशीन भी वापस आज छोटी दिवाली के दिन मोहिबुल्लापुर स्टेशन वापस आकर खड़ी हो गई है। और अब दीपावली के बाद जब वापस काम शुरू होगा तो ये फिर अपने काम पे लगेगी। अभी ये डालीगंज की तरफ जो दो ट्रैक बन गए हैं, पूरे हो चुके हैं, उनकी ट्रैक पैकिंग मशीन जो है वो उस ट्रैक को, जो करीब 50 से 100 मीटर का ट्रैक था, डबल ट्रैक, जो पुराना कंट्रोल रूम था जहां तोड़ा गया, उस ट्रैक को दुरुस्त करेगी आगे। दिवाली से पहले ट्रैक पैकिंग मशीन मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई यहाँ पर, और अब भाई दूज के बाद वापस जो टेक्निकल वर्क से शुरू होंगे। मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर लगभग काम सारा पूरा हो चुका है, बाउंड्री वॉल वगैरह भी सब बन गई हैं, और 24-25 के आसपास ये लोग बता रहे हैं CRS इंस्पेक्शन होने की उम्मीद है। ऑफिशियली अभी कंफर्म होना बाकी है इस चीज़ का, और उसके बाद स्पीड ट्रायल होगा, और उसके बाद दिसंबर से मान सकते हैं हम कि सीतापुर का जो रास्ता है वो सफ़र आसान हो जाएगा दैनिक यात्रियों के लिए। तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही ये कंफर्म हो पाएगा और क्लियर हो पाएगा कि CRS इंस्पेक्शन किस तारीख को हो रहा है। और ट्रैक पैकिंग मशीन आप देख सकते हैं आकर यहाँ पर खड़ी हो गई मोहिबुल्लापुर पर। बाउंड्री वगैरह भी देखिए मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर अब कंप्लीट है, बन गई है, और ट्रैक्स वगैरह सब रेडी हैं, बस CRS का इंतजार है।